पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश में जहां आज चौथे चरण का लोकसभा चुनाव का पर गरम है, वहीं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी देर रात से हाई प्रोफाइल ड्रामा चल रहा है। अरे हाई प्रोफाइल ड्रामे में हसीन जहां की पत्नी को शांति भंग करने की धाराओं में जमानत तक करानी पड़ी है, लेकिन हसीन जहां का कहना है कि वह हार नहीं मानेंगे। दरअसल पिछले एक साल से जनपद अमरोहा का सहसपुर अली नगर गाँव सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की पत्नी द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों के चलते सहसपुर अली नगर में हंगामे जैसी स्थिति बन चुकी है। कुछ ऐसा देर रात भी हुआ जब समी की पत्नी हसीन जहां अपनी बच्ची और एकाया के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद हाई प्रोफाइल ड्रामा शुरू हो गया, क्योंकि समी के परिजनों ने हसीन जहां के घर में घुसने के बाद उसके साथ और हॉट टॉक की पुलिस बुला ली, जिसके चलते घंटों तक हंगामा चलता रहा। सूचना पर पहुंची डिडोली कोतवाली पुलिस और 100 नंबर की पुलिस के जवानों ने काफी देर तक दोनों पक्षों में समझौता कराने की कोशिश की, पर जब कोई नतीजा ना निकला तो दिवाली कोतवाली पुलिस महिला थाने की पुलिस को बुलाकर जबरन रात 12 बजे हसीन जहां को अपने साथ ले गए और जिला अस्पताल में ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। लेकिन देर रात से सुबह तक हसीन जहां ने मीडिया के सामने अमरोहा पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसे बच्ची के साथ 20 से 25 पुलिस वालों ने कई घंटों से बंधक बना रखा है। हसीन जहां ने अपनी बेचारी जाहिर करते हुए कहा कि उन लोगों को भूखे प्यासे रखा जा रहा है और इस देश का कानून भी ऐसा है जो ऐसे गलत व्यक्ति को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित कर रहा है, जो अपने परिवार का दोषी है। इस हाई प्रोफाइल घटनाक्रम पर अमरोहा जनपद के कोई भी पुलिस अधिकारी कैमरे पर जवाब देने को तैयार नहीं है। हालांकि मोहम्मद शमी के परिजनों द्वारा हसीन जहां के खिलाफ शांति भंग करने की धाराओं में डिडोली कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसके बाद रात भर अस्पताल में रखने के बाद डिडोली कोतवाली पुलिस और महिला थाने की पुलिस ने मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां पर अमरोहा SDM कोर्ट में पेश किया, जहां काफी देर तक मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां बैठा रखने के बाद SDM के सामने पेश किया गया। पर SDM के सामने पेश होने से पहले हसीन जहां ने मीडिया से बात करते हुए जमानत देने से साफ इनकार कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को समझाने पर हसीन जहां जमानत देने को तैयार हो गए और जमानत देने के बाद फिर एक बार मीडिया के सामने पेश हुई, जहां हसीन जहां ने कहा कि शमी अहमद के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एक साल तक विवेचना करने के बाद चार्जशीट दाखिल करी और शमी के खिलाफ 498A और 554 IPS की चार्जशीट दाखिल की गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने उसे अरेस्ट नहीं किया। और जब मैंने अपने कमरे में अपनी बच्ची को साथ लेकर गई तो पुलिस ने मुझे अरेस्ट किया और मुझे यह SDM कोर्ट तक लेकर आए और मुझे यहाँ भी नहीं पता चला मुझे क्या आरोप लगाए गए हैं मुझ पर, जबकि मेरे साथ मेरे ससुराल वालों ने बदतमीजी करी और यह पुलिस वालों के सामने हुआ। फिर भी पुलिस ने मुझे गिरफ्तार किया और इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से जमानत नहीं लूंगी, क्योंकि हमारे इंडिया का कानून, खास करके UP की पुलिस, यह सबको भी दुनिया देखना चाहिए। और मैंने जो एक गलत और क्रिमिनल इंसान के साथ रिश्ता जोड़ा और उसकी वजह से मुझे आज जेल तक जाना पड़ रहा है, ये दुनिया को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि जमानत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शमी अहमद सोच रहा है कि दुनिया मुझे सपोर्ट करती है। उसने कहा कि जो रास्ते में चलने फिरने वाले कुत्ते हैं ना, वे भौंकने वाले कुत्ते, वे थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन और आई स्टेट के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी तरीके से पॉलिटिक्स को जानते हैं और जो सभी लोगों से जानते हैं, वे सभी लोग थूकते उसके ऊपर और वे सोचते हैं मेरी बहुत इज्जत है। उन्होंने कहा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अर्जुन अवार्ड के लिए उसे ऐसे नॉमिनेट किया गया, इंडिया कहां से कहां पहुंच रही है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। SDM कोर्ट से जमानत देने के बाद जब हसीन जहां बाहर निकले और उनसे पत्रकारों ने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं समी अहमद को एक मैसेज देना चाहती हूं, वह जितना भी मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर ले, मैं नहीं डरूंगी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत, और वह मेरी इज्जत अपनी मिट्टी में मिला दी। पूरी दुनिया में आपने मुझे बदनाम कर दिया, अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है, कंजूस है ना, आपको पल पल चोट लगेगी, ना मैं कंजूसी, ना मैं, ना मुझे किसी चीज की हालत है। मेरी इज्जत सबसे बड़ी चीज थी जो आपने रास्ते में उतार दी, तो अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। यह बेल, ये 151 की धारा, ये जेल, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। शमी अहमद स्मार्ट मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि शमी अहमद ने मुझे इतना सब कुछ कहने पर मजबूर कर दिया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू जब आते हैं, गम मेरी बेबी का कोई सुनता है। जब मेरी बेबी को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, पूरी रात मेरी बेबी परेशान रही, कुछ नहीं खाया, इसलिए इतना रोली पर मेरे ऊपर अगर कोई टॉर्चर होता
तो मुझे आंख से आंसू नहीं आते। उन्हें लगा कि मेरे अगला स्टेप कुछ नहीं होगा, बस मैं अपने हक के लिए लड़ती रहूंगी। इस मामले में जब हमने अमरोहा तहसील के उप जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि थाना डिडोली पुलिस ने 151 के दो लोग भेजे थे। हसीन जहां पत्नी मोहम्मद शमीम और पवन कुमार दोनों के विरुद्ध चलाने रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। दोनों की तरफ से जमानती आए थे। जमानत के आधार पर दोनों को जमानत दे दी गई थी। SDM साहब ने कहा कि मोहम्मद शमी की तरफ से उनके PRO पवन कुमार थे, जिनके खिलाफ 151 की रिपोर्ट दाखिल हुई है। थाना डिडोली ने आज 151 के अंतर्गत जो है हसीन जहां, वाइफ ऑफ मोहम्मद शमी और पवन कुमार दोनों के विरुद्ध जो है चलाने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। दोनों के तरफ से दो दो जमानतें जो है प्रस्तुत की गई थी और जमानत के आधार पर जो है जमानत की छुट्टी है। कितनी लोग थे इसमें? 151 दोनों की तरफ से एक एक, हसीन जहां और पवन। लेकिन हसीन जहां का आरोप है कि उसकी तरफ से कोई नौकर को रख दिया गया है? नहीं, वो PRO है, मोहम्मद शमी के PRO है और उन्होंने जो बातें कही है उसकी जांच करा ली जाएगी। तो मैंने थाने से उसकी जांच करा ली। मुझे कुछ नहीं पता, यहाँ भी मैं सुबह से परेशान हो रही थी कि क्या हुआ, मुझे कहाँ लेके जा रहे हो। तो बोला कि तुम्हें सैदपुर घर लेके जा रहे हो, मतलब मुझसे टोन कर रही है लोग। उसके बाद शमी अहमद के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने एक साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट इशू करी, 498A और 354A, लेकिन फिर भी पुलिस उसे अरेस्ट नहीं किया। लेकिन मैंने अपने कमरे में अपनी बच्ची को साथ लेकर मैंने अपने कमरे में रही तो पुलिस मुझे अरेस्ट किया और मुझे यहाँ तक लेके आए। कहाँ लेकर के आए आपको? SDM कोर्ट लेके आए। मुझे क्यों लेके आए ये नहीं पता, उन लोगों ने क्या क्या लगाया, क्या किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। अच्छा, आपके आपके किसी को मैंने एक भी आवाज नहीं करी। हालांकि वो मेरे ससुराल वाले, मतलब मेरी सास और मेरे देवर ने बदतमीजी करी और एक आदमी असकार नाम का है वो भी बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहे थे। तो पुलिस खुद गवाह है इस बात की, लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझे अरेस्ट करने के लिए ये सब किया। लॉयर बताएगा क्या करेगा। मेरे ख्याल से तो जमानत नहीं लेना ही ठीक रहेगा, क्योंकि हमारे इंडिया का कानून, हमारा खास करके यूपी की पुलिस, ये सब भी दुनिया देखनी चाहिए। और मैंने जो एक गलत इंसान के साथ, एक क्रिमिनल इंसान के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा और उसके वजह से मुझे आज जेल तक जाना पड़ रहा है, ये भी दुनिया को देखनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जमानत नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि शमी अहमद सोच रहा है कि दुनिया मुझे सपोर्ट करती है। जो रास्ते में चलने फिरने वाले कुत्ते है ना, वो भौंकने वाले कुत्ते, वो थोड़ा बहुत उसे सपोर्ट करती है, जिसे दुनिया के बारे में, स्टेटस के बारे में कुछ नहीं पता। तो वो सोचते है कि मुझे, मैं हीरो बन गया। लेकिन पुलिस प्रशासन, हाई स्टेटस के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छी तरीके से सब पॉलिटिक्स को जानते हैं, सभी जानते हैं कि शमी अहमद ने क्या किया और सभी लोग थूकते हैं उसके ऊपर। और वो सोच रहा है कि मैं बहुत बड़ा हीरो, इतना कुछ करने के बाद भी पता नहीं कैसे उसे, और अर्जुन अवार्ड के लिए उसे कैसे नॉमिनेट किया गया। मुझे मतलब इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जिस तरह से मैं अपना हक का लड़ाई लड़ रही थी वैसे ही लड़ती रहूंगी। और शमी अहमद को मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि जितना भी मुझे डराने की कोशिश कर लो, मैं नहीं डरूंगी। एक औरत के लिए सबसे बड़ी इज्जत, जो मेरी इज्जत आपने मिट्टी में मिला दी, पूरी दुनिया में आपने मुझे बदनाम कर दिया। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। आप बहुत कंजूस है ना, आपको पल पल चोट लगेगा। मुझे ना मैं कंजूस हूँ, ना मुझे किसी चीज़ की लालच है। मेरी इज्जत मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ थी, जो आपने रास्ते में उतार दी मेरी इज्जत। अब वो तो मेरे रही नहीं, तो खोने के लिए मुझे कुछ नहीं है मेरे पास। तो ये बेल, ये 151, ये जेल, ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मिस्टर शमी अहमद फ्रॉड मिस्टर, मतलब शमी अहमद ने मुझे इतना कुछ सहने पे मजबूर कर दिया कि अब मैं पत्थर से हो गई हूँ। बस आंखों से आंसू तब आते हैं मेरे, जब मेरी बेबी का कोई इशू बनता है, मेरी बेबी को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है। पूरा रात मेरी बेबी परेशान रही, कुछ नहीं खाया तो मैं इतना रो ली। लेकिन मेरे ऊपर अगर कोई टॉर्चर होता है या मुझे कोई तकलीफ होती है तो मेरे आंख से आंसू नहीं आते। आपका नाश चाप क्या होगा? जिस तरीके से आप, कुछ नहीं, जो मेरा हक है वो सब मैं लड़ती रहूंगी बस, और कुछ नहीं कि मैं स्टेप लूंगी, मैं ये करूंगी वो करने, मेरा पोलाइटली मैं अपनी लड़ाई जैसे लड़ रही हूँ।